हे गाइस, आप लोगों को फिर से स्वागत है आपका ही खुद का यूट्यूब चैनल स्विंग फैंटेसी में। फ्रेंड्स, आज का जो गेम होने वाला है वो है बास्केटबॉल, न्यूजीलैंड बास्केटबॉल लीग, जो कि MWJ और AKH के बीच में मैच खेला जाएगा। तो इन दोनों टीम में से कौन से प्लेयर हम अपने टीम में लेंगे वो देख लेंगे आज इस मैच में। आज के इस दोनों टीम का लाइनअप क्या होगा, पिछले मैच में बॉक्स स्कोर क्या था इस दोनों टीम का, बॉक्स स्कोर एनालाइज करके आपको मैं ड्रीम इलेवन टीम दे दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो और पास में रखा बेल आइकन भी क्लिक कर देना। जब भी हम यूट्यूब में न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए पहले देख लेते हैं लाइनअप क्या होने वाला है इस दोनों टीम का। पहले देख लेते हैं MWJ का आज के मैच में लाइनअप क्या होने वाला है। लाइनअप जो होगा MWJ का, पहले जे ब्लेजेंट, डी डैनियल्स, डी नाइट, एफ फैली और आखिर में के फुलिंस करने वाला है आज के टीम में MWJ के तरफ से लाइनअप। ठीक है, आप देख लेते हैं AKH के तरफ से लाइनअप क्या होने वाला है आज के मैच में। AKH के तरफ से जो लाइनअप होगा आज के टीम में कुछ इस प्रकार होगा। जे बिप्स करने वाला है, सी जॉनसन, बी रूकोर, टी भोटानोविक और आखिर में आर जैक करने वाला है आज के टीम में AKH के तरफ से पॉसिबल लाइनअप। ठीक है, आप देख लेते दोनों टीम का पिछले मैच में बॉक्स स्कोर क्या था। पहले देख लेते MWJ का बॉक्स स्कोर पिछले मैच में क्या था। डी के नाइट पिछले मैच में 40 मिनट खेला था, रिबॉन 16 कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 1 दाग दिया था, स्टील 3, ब्लॉक 0, पॉइंट था 30। उसके बाद नको पिछले मैच में 34 मिनट खेला था, रिबॉन 2 कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 2 दाग दिया था, स्टील 0, ब्लॉक 0, पॉइंट था 25। डी डेनियल्स पिछले मैच में 40 मिनट खेला था, 5 रिबॉन कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 1 दाग दिया था, स्टील 3, ब्लॉक 4, पॉइंट था 22। जॉर्डन पिछले मैच में 14 मिनट खेला था, रिबॉन 0 कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 2 दाग दिया था, स्टील 1, ब्लॉक 0, पॉइंट था 10। उसके बाद कलीब पिछले मैच में 23 मिनट खेला था, रिबॉन 3 कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 0, स्टील 0, ब्लॉक 0, पॉइंट था 3। लैली पिछले मैच में 31 मिनट खेले थे, रिबॉन 3 कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 1 दाग दिया था, स्टील 2, ब्लॉक 0, पॉइंट था 2। मॉरिसन पिछले मैच में 14 मिनट खेला था, रिबॉन 2 कलेक्ट कर लिए थे, 0 एसिस्ट, 0 स्टील, ब्लॉक 1, पॉइंट था 0। उसके बाद हिपेंडो पिछले मैच में 3 मिनट खेला था, रिबॉन 1 कलेक्ट कर लिए थे, स्टील 0, ब्लॉक 0, रिबॉन पॉइंट 0। ठीक है, और आखिर में जो है MWJ के तरफ से कॉपर पिछले मैच में 1 मिनट खेला था, रिबॉन 0 कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 0, स्टील 0, ब्लॉक 0, पॉइंट भी 0। ये था MWJ के तरफ से पिछले मैच में बॉक्स स्कोर। अब देख लेते AKH के तरफ से पिछला मैच में बॉक्स स्कोर क्या था। जे बिप्स पिछले मैच में AKH के तरफ से खेला था, जे बिप्स पिछले मैच में 33 मिनट खेला था, 4 रिबॉन कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 5 दाग दिया था, स्टील 0, ब्लॉक 0, पॉइंट था 31। उसके बाद रेली पिछले मैच में 32 मिनट खेला था, 9 रिबॉन कलेक्ट कर लिए थे, स्टील 2, ब्लॉक 0, पॉइंट था 25। वोडानोविक पिछले मैच में 39 मिनट खेला था, रिबॉन 3 कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 1 दाग दिया था, स्टील 1, ब्लॉक 0, पॉइंट था 20। जॉनसन पिछले मैच में 35 मिनट खेला था, रिबॉन 15 कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 1 दाग दिया था, स्टील 2, ब्लॉक 0, पॉइंट था 13। उसके बाद बुक पिछले मैच में 21 मिनट खेला था, रिबॉन 2 कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 3 दाग दिया था, स्टील 0, ब्लॉक 0, पॉइंट था 6। रूसो पिछले मैच में 23 मिनट खेला था, रिबॉन 5 कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 2, 3 दाग दिया था, स्टील 3, ब्लॉक 0, पॉइंट था 4। उसके बाद चारिस पिछले मैच में 5 मिनट खेला था, रिबॉन 2 कलेक्ट कर लिए थे, एसिस्ट 2, स्टील 0, ब्लॉक 0, पॉइंट था 3। मुर्फी पिछले मैच में 16 मिनट खेला था, रिबॉन 0, एसिस्ट 0, स्टील 0, ब्लॉक 0, पॉइंट 2। निक पिछले मैच में 1 मिनट खेला था, रिबॉन 0, एसिस्ट 0, स्टील 0, ब्लॉक 0, पॉइंट भी 0। तकुइला पिछले मैच में 4 मिनट खेला था, रिबॉन 0, एसिस्ट 0, स्टील 0, ब्लॉक 0 और पॉइंट भी 0। ये था AKH के तरफ से पिछले मैच में बॉक्स स्कोर। आप देख लेते हैं मेरा ड्रीम इलेवन टीम। ड्रीम इलेवन टीम देखने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये है स्विंग फैंटेसी फैमिली का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अगर अभी तक इस चैनल में नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल का जुड़ने का फ़ायदा यह है आपका, यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री में मिल जाता है, आपको फ्री में टीम मिलेगा और टीम लेके आप इजीली विन कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैच से पहले फाइनल टीम दे देंगे हम।
इस चैनल का खासियत है यहाँ पे आपको फ्री में फाइनल टीम लाइनअप या मैच रिलेटेड एनी अपडेट सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाता है। देख ही सकते हो, ऐसे ही नहीं कह रहा, एक बार विजिट करके देखो, अच्छा लगा तो ज्वाइन कर लेना। हम जो टेलीग्राम में टीम देते हैं वो टीम यूज़ करके हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 1000 रुपये डेली उन कर रहा है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देख लेते हैं इस दोनों टीम में से कौन सी प्लेयर को हम अपने ड्रीम इलेवन में ऐड किया है, आइए देख लेते हैं। पहले आ जाता है पॉइंट गार्ड से मैंने डी कैनेट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आ जाता है शूटिंग गार्ड से मैंने जे बिप्स को सिलेक्ट किया है। आपके लिए पॉइंट गार्ड से चॉइस बन जाता है, आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, बी रुस्कुई को ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए मैंने स्किप कर दिया, बहुत रिस्की प्लेयर है, अगर खेलते हैं तो खेल लेंगे। आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद शूटिंग गार्ड के चॉइस के बारे में बात करें, कुछ ऐसा होगा आपके लिए चॉइस, आप ट्राई करना चाहते हो ए मैकक्वीन को ट्राई कर सकते हो अपने टीम में। आगे देख लेते, जो जो भाइयों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया उन भाइयों को कोई टेंशन करने की बात नहीं है, मैं टेलीग्राम में आपको फाइनल टीम दे दूंगा। आगे देख लेते हैं, स्मॉल फॉरवर्ड से मैंने 3 प्लेयर को पिक किया है। पहला जो प्लेयर है वो डी डेनियल्स, उसके बाद डी रूसो और एन मिक्लोयंग, ठीक है। आगे देख लेते, अच्छा खासा चॉइस नहीं मिला, स्किप कर दो। मैंने पावर फॉरवर्ड से 1 प्लेयर को पिक किया है, वो प्लेयर है के मुलिंस को मैंने पावर फॉरवर्ड से सिलेक्ट किया है। आपके लिए चॉइस बन जाता है यहाँ से, सी जॉनसन को आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, मेरा क्रेडिट नहीं बचा था इसीलिए मैंने के मुनिस को अपने टीम में ले लिया। आगे देख लेते हैं, सेंटर से मैंने 1 प्लेयर को पिक किया है, वो है टी भोडानोविक को मैंने सिलेक्ट किया है। आप चाहो तो एन ब्राव को भी ट्राई कर सकते हो अपने टीम में, कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। और एक और मेरे कैचर से 2 प्लेयर पिक किया है, एक और जो प्लेयर होगा आखिर में वो है एफ लैली, कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। कैप्टन मैंने डी कैनेट को दिया है और वाइस कैप्टन मैंने टी भोडानोविक को मैंने वाइस कैप्टन दिया है। कुछ ऐसा होगा मेरा ड्रीम इलेवन टीम, देखिए ये फाइनल टीम नहीं है, ये लाइनअप का पहले का टीम है। अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाओ, टेलीग्राम में आपको मैच से पहले मैं फाइनल टीम आपको दे दूंगा, वो टीम यूज़ करके आप इजीली जीत सकते हो, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर लिंक नहीं काम कर रहा तो टेलीग्राम में जाकर सर्च करना स्विंग फैंटेसी, लगभग 300+ सब्सक्राइबर है, वो ये चैनल आपको ज्वाइन हो जाना है। चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में रखा बेल आइकन भी क्लिक कर देना, जब भी हम यूट्यूब में न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।